वेलकम टू पुष्पैड एकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर चैप्टर के बारे में। इसमें हम एयर पॉल्यूशन के बारे में जानेंगे और वाटर पॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। ये कैसे कॉज होते हैं और इससे क्या हम लोगों को क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं इससे, और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ता है, हम वो इस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एयर पॉल्यूशन की। तो एयर पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम लोगों को पता होना चाहिए एयर क्या है। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि एयर क्या है। एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इसमें बहुत सारी गैसेस का मिश्रण होता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा एयर में नाइट्रोजन पाई जाती है, 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और उसके अलावा और भी गैसेस प्रेजेंट होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो गैस फॉर्म में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, वाटर वेपर एक्सेट्रा। वाटर वेपर जो भाप बन के जो ऊपर उड़ जाते हैं वही इसकी को हम बोलते हैं वाटर वेपर। ये सारी चीज़ें एयर में प्रेजेंट होते हैं। अब एयर पॉल्यूशन क्या है? ऐसी एयर जो कंटेमिनेटेड होती है, जिसमें ऐसे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो सबके लिए हार्मफुल होते हैं, सबको उससे नुकसान पहुंचाते हैं, उसको हम बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। अब पार्टिकल्स और ऐसे सब्सटेंस जो एयर में प्रेजेंट होते हैं जो एयर को पॉल्यूट करते हैं उनको हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। जो एयर को पॉल्यूट करते हैं उसको हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। और एयर पॉल्यूशन क्या है? जो कंटेमिनेटेड एयर होती है। अब ये जो पॉल्यूटेंट्स है ये कहाँ से आते हैं? ये कुछ नेचुरल एक्टिविटीज़ से आते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल या डिफॉरेस्टेशन वगैरह जो हम करते हैं वहाँ से, या फिर हम कुछ जो बर्न करते हैं, जलाते हैं चीज़ें, वहाँ से ये सारी चीज़ें आती है, इसको हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। और ये सिर्फ नेचुरल एक्टिविटीज़ से ही नहीं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से भी आती है। जैसे कि बहुत ज़्यादा सी एफ सीज़ का यूज़ हो रहा है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं कि कैसे पॉल्यूटेंट प्रेजेंट होते हैं एयर में, किस तरीके के पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं एयर में पाए जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर ऑक्साइड, सीएफसीज, और बहुत सारे ऐसे और भी पॉल्यूटेंट्स जो है जो एयर में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं पहले कार्बन मोनोऑक्साइड की। ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड है? जब जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो अच्छे से बर्न नहीं हुए होते तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। अगर जो फॉसिल फ्यूल्स है, फॉसिल फ्यूल्स क्या है ये आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ये जो फॉसिल फ्यूल्स है ये जब अच्छे से बर्न नहीं होते, जैसे कि इसमें लिखा भी एग्जाम्पल में पेट्रोल डीजल, जब ये अच्छे से बर्न नहीं होंगे तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस रिलीज़ करेंगे, जिससे क्या होता है, इससे हमें क्या हार्मफुल इफेक्ट होता है, जो बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या इफेक्ट होगा इससे, जो ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है ब्लड में मिलके, जो ऑक्सीजन ब्लड में ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसका जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो कम हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन का लेवल कम हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्मॉग की। स्मॉग क्या होता है? ये दो चीज़ों से बना है, स्मोक और फॉग। स्मोक क्या होता है आप सबको पता है, जो धुआं होता है, और फॉग क्या होता है जो आप लोगों ने ठंडियों में देखा होगा, जो धुंधला सा आपको सब कुछ दिखता है, इसको हम हिंदी में कोहरा भी बोलते हैं। लेकिन स्मोक क्या है? ये इन दोनों का मिक्सचर है। ये जो स्मोक है ये किससे बनता है? स्मोक बनता है ऑक्साइड से, जैसे कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए या फिर सल्फर के ऑक्साइड्स हो गए, इन सब से ये स्मोक बनता है। और भी बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं जिससे ये स्मोक बनता है। ये रेस्पिरेटरी डिसीज भी इससे, इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो क्या देखने को मिलते हैं ह्यूमंस में, जैसे कि अस्थमा की बीमारी या रेस्पिरेटरी डिसीज़, कफ वगैरह हो गया, वीजिंग हो गया, चिल्ड्रंस में ही देखने को मिलता है। तो ये सारी डिसीज़ जो है स्मोक से होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट की। ये सल्फ़र डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट क्या है? जब हम फ्यूल्स को जला देते हैं उससे जो प्रोड्यूस होती है गैसेस वो होती है सल्फ़र डाइऑक्साइड।
इससे हमें बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है और परमानेंट लंग डैमेज भी हो सकते हैं। जो हमारे लंग है वो डैमेज हो सकते हैं परमानेंटली, हमेशा के लिए। इसके बाद अब हम बात करते हैं CFCs की। CFCs रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में हमको देखने को मिलते हैं, एयर कंडीशनर जो ACs वगैरह लगे होते हैं उसमें देखने को, उसमें लगे हुए होते हैं ये जो CFCs है, ये ओजोन लेयर का जो एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर है उसको ये डैमेज कर रही है, जिसकी वजह से जो हार्मफुल रेडिएशन है वो अर्थ तक आ रही है। इसके अलावा और भी पॉल्यूटेंट्स जो है पाए जाते हैं, जैसे कि टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस से जो रिलीज होते हैं, जब हम माइनिंग कर रहे होते हैं या कुछ बना रहे होते हैं, वहाँ पे स्टील मेकिंग वगैरह प्रोसेस चल रहा होता है, जब हम ये सारी चीज़ें बना रहे होते हैं इंडस्ट्री में, तो वहाँ से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रिलीज होते हैं वो भी पॉल्यूटेंट ही होते हैं और वो भी हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, और ये जो विजिबिलिटी होती है वो कम कर देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ठंडियों के टाइम पे आप लोगों को जो डिस्टेंस है वो दिखता नहीं है, विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, जब तक वहाँ पे लाइट ना हो आपको नहीं दिखेगा, और ये एयर में प्रेजेंट रहते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स। अब हम एयर पॉल्यूशन के बारे में एक केस स्टडी करेंगे ताजमहल के बारे में, जो कि आगरा में प्रेजेंट है। इसके बारे में हम जानेंगे एयर पॉल्यूशन का इससे क्या रिलेशन है। जो पॉल्यूटेंट्स एयर में प्रेजेंट होते हैं और जो ताजमहल बना है उसका जो मार्बल है वाइट कलर का, और जो पॉल्यूटेंट्स है वो क्या कर रहे हैं, इस मार्बल को वो डिसकलर कर रहे हैं, इसको डैमेज कह सकते हो, नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इसका जो कलर है वो भी उतर रहा है। ऐसा किस लिए हो रहा है, क्योंकि जो पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट है एयर में वो इस मार्बल को अफेक्ट कर रहे हैं, नुकसान हो रहा है उससे इस मार्बल को। बहुत सारी इंडस्ट्रीज आगरा में प्रेजेंट है, जैसे कि रबर की होगी, ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री होगी, केमिकल्स की इंडस्ट्री प्रेजेंट है, मथुरा में ऑयल रिफाइनरी ये इसकी इंडस्ट्री प्रेजेंट है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स से, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब। अब ये पॉल्यूटेंट्स तो रिलीज हो जाते हैं एयर में, जब ये एयर में रिलीज हो जाते हैं उसके बाद इनके साथ अब और क्या हो सकता है, इन गैसेस के साथ, जिसकी वजह से ये मार्बल को नुकसान हो रहा है। चलिए समझते हैं कि और क्या हो रहा है। ये जो गैसेस रिलीज हुई हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये गैसेस क्या करेंगे, अब एयर में हमने पढ़ा था कि वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है, तो ये सारी गैसेस वाटर वेपर के साथ जब रिएक्ट करेंगी तो एटमॉस्फेयर में क्या फॉर्म हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिड फॉर्म हो जाएंगे, जो कि बहुत ही जो कि नुकसान पहुंचाएंगे किसको, मार्बल को। जब बारिश वगैरह होगी तो ये एसिड्स क्या होंगे, ये इसी को हम बोलते हैं एसिड रेन। जब बारिश होगी तो जो ड्रॉप, बारिश की जो बूंदें गिरती है वो कौन सी ड्रॉप होगी, एसिड ड्रॉप होगी, जिसकी वजह से हमने पहले भी जाना था इस चैप्टर के, जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें भी हमने पढ़ा था कि एसिड रेन कैसे जो क्रॉप्स वगैरह होते हैं उसको नुकसान पहुंचाती है और बिल्डिंग्स वगैरह को भी डैमेज करती है। तो ये तो हिस्टोरिकल मोमेंट है, इसको तो और भी ज़्यादा डैमेज हो रहा है इससे, इसलिए इसका कारण ही यही है कि जो ताजमहल जो है पहले जैसा अभी नहीं दिख रहा है, उसका कलर बहुत ही ज़्यादा उतर गया या डिसकलर हो गया है। इसका क्या कारण है कि एसिड ड्रॉप जो है वो बारिश जो हो रही है वो कौन सी हो रही है, एसिड ड्रॉप की, जिसकी वजह से जो रेन होगी वो क्या होगी, एसिडिक होगी, और एसिडिक नेचर क्या होता है, अगर ज़्यादा एसिडिक होता है कोई भी चीज़ तो वो जलता है, तो उससे क्या होता है और नुकसान होता है, तो इसीलिए एसिड रेन जो है बहुत ही हार्मफुल है। अब एसिड रेन हमने समझ लिया है कि ये मार्बल को जो मॉन्यूमेंट है उसके जो मार्बल है उसको कॉरोड कर रही है, नुकसान हो रहा है, जैसे कि हम बोलते हैं ना जैसे आयरन का होता है तो उसमें जंग लगने लग जाता है, तो वैसे ही एसिड रेन मार्बल को भी कॉरोड कर रही है, ख़राब कर रही है, इसको हम मार्बल कैंसर भी बोलते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट एक्शन की। ये सुप्रीम कोर्ट एक्शन की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या एक्शन लिए हुए हैं इन सारी चीज़ों की तरफ, जैसे कि जो ताजमहल है वो और डैमेज ना हो इसलिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं, अब हम ये जानेंगे। उन्होंने इंडस्ट्रीज़ वगैरह को ऑर्डर दिए है कि वो किसको स्विच करें, जो वो फ्यूल्स यूज़ करते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करते हैं तो उसकी जगह वो क्लीनर फ्यूल्स यूज़ करें, जैसे कि CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इन सारे ऐसे फ्यूल्स को यूज़ करने से क्या होगा, जो पॉल्यूशन हो रहा था, पॉल्यूटेंट्स जो रिलीज़ हो रहे थे वो नहीं होंगे, क्योंकि ये क्लीन फ्यूल है, और वो रिलीज़ नहीं होंगे तो एसिड रेन भी फॉर्म नहीं होगी।
ऑटोमोबाइल्स वगैरह जो भी है, जैसे कि पेट्रोल वगैरह, वो जो जो ताज एरिया जहाँ पे ताजमहल है उस वाले एरिया में ही ऑटोमोबाइल्स जहाँ पे पेट्रोल वगैरह है उसको ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी, इसकी जगह ई रिक्शाज जो बैटरी से चलते हैं वो सारे चलेंगे, या फिर अगर कोई भी गाड़ी चलती भी है तो वो जो क्लीनर फ्यूल्स है उनके यूज़ करके ही चलेंगी। अब हम बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट की। जो रेडिएशंस जो आती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, उनसे क्या होता है, जो गैसेस लेवल है जैसे कि CO2 का जो गैस लेवल है वो बढ़ जाता है। जो इस जो रेडिएशंस आ रही है हमारी अर्थ में वो क्या हो रही है, ट्रैप हो जा रही है। जब वो ट्रैप हो जाती है तो जो CO2 का लेवल है वो, जो CO2 गैस है वो बढ़ जाती है। जो इसके सिर्फ CO2 गैस ही नहीं, और भी गैसेस होती है जैसे कि मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या वाटर वेपर वगैरह, ये सारी गैसेस जो है फिर किस में कंट्रीब्यूट करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में, जो कि अच्छा नहीं है। अगर ऐसे ही जो ये CO2 है ये इंक्रीज होते रहा तो इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज़ होती जाएगी, टेम्परेचर हाई होता जाएगा। और इसके पीछे सिर्फ CO2 का ही इंक्रीज़ होना नहीं, और भी बहुत सारे रीजंस है, जैसे कि ये जो CO2 इंक्रीज़ हो रहा है इसके पीछे और भी बहुत सारे रीज़न है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन वगैरह हो गया। डिफॉरेस्टेशन जिसमें हम पेड़ को कट कर देते, फॉरेस्ट कट कर देते, अब जब फॉरेस्ट कट हो जाएगा तो CO2 तो सारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो सारी की सारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप हो रखी है, वो प्लांट उसे अब नहीं ले पा रहे क्योंकि प्लांट तो हम कट कर रहे हैं। तो ये सारी जो CO2 जब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है इससे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा धीरे धीरे, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ होती जाती है, और ये धीरे धीरे डे टू डे ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि पहले के टाइम पे उतनी गर्मी नहीं होती थी जितनी की गर्मी आज होती है, और आज के टाइम का टेम्परेचर भी आप देख सकते हैं कि 50 के ऊपर तक भी बहुत सारी जगह ऐसी है कि जहाँ पास टेम्परेचर 50 तक पहुँच गया, 50 के ऊपर। अब आने वाले समय में क्या होगा ऐसी अगर ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ होती रही तो, ग्लोबल वार्मिंग की एक सीरियस थ्रेट है। इससे सिर्फ टेम्परेचर ही इंक्रीज़ नहीं होता, सी लेवल भी इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे कि फ्लड वगैरह ये सारे चांसेस आने ज़्यादा हो जाएंगे, बाढ़ वगैरह आएगी, और जो रेनफॉल है बारिश भी कम होगी क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, पेड़ वगैरह हम कट कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों से जो रेनफॉल होती है वो भी कम हो जाएगी, और जब होगी तो वो क्या होगा, पानी पानी की भी कमी होगी इससे, क्योंकि जो रेनफॉल होगी उसको वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास पेड़ नहीं बचेंगे। अब हम बात करते हैं एयर पॉल्यूशन को हम कैसे कम कर सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट कर सकते हैं, और इसके अलावा हम जब हम फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करते हैं इसकी जगह पे हम अल्टरनेटिव फ्यूल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि CNG, LPG ये सब। और इसके अलावा हम एक और चीज़ कर सकते हैं, हम एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रो पावर वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि पॉल्यूशन कम होगा। हम नॉर्मली हर एक इंसान क्या करते हैं, अगर कहीं पे भी कचरा होता है उसको इकट्ठा करके उसे जला देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं करना है, क्योंकि हम जब हम उसे जला देते हैं अगर वो प्रॉपर बर्न नहीं होता है तो उससे, मैंने आपको बताया था, हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है जिसका नेम है कार्बन मोनोऑक्साइड, उससे हम लोगों को ही नुकसान होगा। अब हम बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन की। वाटर पॉल्यूशन क्या है, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, और जो वाटर का कंटेमिनेशन, वाटर क्या है, गंदा हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा ऐसे सब्सटेंसेस से जो हमारे लाइफ के लिए हार्मफुल है। अब ये जो सब्सटेंसेस है जो वाटर को कंटेमिनेट कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं, इनको हम बोलते हैं वाटर पॉल्यूटेंट्स। जैसे हम एयर पॉल्यूटेंट्स में जो एयर को पॉल्यूट कर रहे थे, बहुत सारी गैसेस जो एयर को पॉल्यूट कर रही थी उनको हम बोल रहे थे एयर पॉल्यूटेंट्स, वैसे ही हम जो वाटर को कंटेमिनेट कर रहे हैं बहुत से बैक्टीरियाज वगैरह और जो भी चीज़ें इसमें आ रही है उसको हम बोलते हैं वाटर पॉल्यूटेंट्स। अब हम जानते हैं वाटर पॉल्यूट कैसे होता है, इसमें मैं आपको एक केस स्टडी बताती हूँ। गंगा नदी जो कानपुर में प्रेजेंट है, कानपुर उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश स्टेट में जो कानपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पास जो गंगा नदी फ्लो करती है वो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड है, बहुत ही ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा कंटेमिनेशन है। और यहाँ जो कानपुर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी है, तो जो UP के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, वो नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या सोचते हैं कि गंगा में जाके नहाते हैं, और वो लोग वहीं पे नहाते हैं, कपड़े धुलते हैं, कपड़े वगैरह साफ़ करेंगे,
और कुछ लोग तो डेफिकेट भी करते हैं रिवर साइड में, जिससे क्या होता है गंदे बैक्टीरियाज वहाँ पास जमने लग जाते हैं और उससे हम लोगों को ही नुकसान होता है। बहुत से लोग तो ये गंगा का पानी भी जो ऐसे फ्लो कर रहा हो उसमें पीते भी हैं। तो जब वहाँ पास आप लोग कपड़े भी धुल रहे हो, वहाँ पास डेफिकेट भी कर रहे हैं, नहा भी रहे हैं, तो फिर वहाँ का पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे गंदे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए जो गंगा रिवर है, गंगा नदी जो हम बोलते हैं, इतना ज़्यादा वो पॉल्यूट हो रही है। सोचिए, सब लोग इनकी पूजा करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं अभी भी ऐसे जो इनको पॉल्यूट करने में काम कर रहे हैं, यानी कि इनको साफ करना चाहिए। इसके अलावा, ये तो इतना पार्ट हो गया, इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं, गार्बेज भी, कचरा भी फेंकते हैं, फ्लावर्स वगैरह हो गया, या फिर जैसे भगवान जी की मूर्तियाँ वगैरह होती है वो भी वो लोग वहाँ पे फेंकते हैं। इसके अलावा नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस भी फेंकते हैं, जो कि जैसे पॉलीथीन वगैरह, जिससे क्या होता है अगर वाटर के अंदर कोई एक्वेटिक एनिमल्स प्रेजेंट है तो उसको भी उससे हार्म होता है, नुकसान होता है। अब कानपुर साइड में 5,000 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज प्रेजेंट है, जिसमें जैसे कि फर्टिलाइज़र की इंडस्ट्री होगी, डिटर्जेंट की, लेदर की, पेंट इंडस्ट्रीज वगैरह होगी। अभी ये सारी इंडस्ट्रीज़ में जब काम होगा, तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ में काम होने के बाद क्या होगा, जो भी वेस्ट आएगा, केमिकल वेस्ट आएगा, ये लोग भी कहाँ पर फ्लो कर देते हैं, नदी में बहा देते हैं बिना उसको ट्रीट किए। तो अगर ये लोग ऐसे ही उसको नदी में बहाते रहे तो फिर पानी जो है और भी ज़्यादा पॉल्यूट होगा। इससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसे करती है कि जो भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उसको नदी में ही बहा देती है, जो भी स्ट्रीम्स बह रही होती है, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। जैसे कि ऑयल रिफाइनरीज होगी, या पेपर की फैक्ट्री होगी, शुगर मिल्स वगैरह, ये सारी जो भी केमिकल फैक्ट्रीज होती है, ये सारे की फैक्ट्रीज किस में कंट्रीब्यूट करती है, वाटर कंटेमिनेशन में, वाटर पॉल्यूशन में, जो कि इनको नहीं करना चाहिए। पानी थ्रो करने से पहले उनको अच्छे से ट्रीट कर लेना चाहिए। इसके अलावा अनट्रीटेड जो सीवेज होता है, जो डायरेक्टली हम रिवर में फेंक देते हैं, उससे भी वाटर पॉल्यूट होता है। अब हम सोचते हैं कि हॉट वाटर पॉल्यूट नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हॉट वाटर, बहुत सारी जगह पे गर्म पानी नेचुरली प्रेजेंट होता है, कई बार वो भी पॉल्यूटेड होता है। वो कैसे पॉल्यूटेड होता है, जैसे कि जो पावर प्लांट्स वगैरह हो गए, जो इंडस्ट्रीज़ में होते हैं, वहीं पास मेनली हॉट वाटर देखने को मिलेगा हमें। नेचुरली बहुत सारी जगह पे भी प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पास ये जो हॉट वाटर है कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, रिवर्स में से आ रहा है। और रिवर्स में कहाँ से आ रहा है, जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह फेंक रही है, तो उसमें क्या है, मिक्सचर है केमिकल्स वगैरह इन सारी चीज़ों का, जिससे क्या होगा, जो वाटर बॉडीज अंदर प्रेजेंट होगी उनको हार्म होगा इससे। हम जानते हैं पोर्टेबल वाटर क्या होता है, वाटर जो पीने के लिए सूटेबल हो, अच्छा हो, उसे हम बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। बहुत सारे फिजिकल और केमिकल प्रोसेस किए जाते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह, ये सारे सब कुछ किए जाते हैं पानी को साफ करने के लिए। उससे जब हम पानी को, जैसे अगर हम नदी में भी फेंक रहे हैं, जो वेस्ट पानी होता है, अगर हम उसे नदी में भी फेंक रहे हैं, तो उसको फेंकने से पहले बहुत सारे केमिकल प्रोसेस या फिजिकल प्रोसेस किए जाते हैं, ताकि उसमें कोई भी गंदगी प्रेजेंट ना हो और जो पानी के अंदर एनिमल्स प्रेजेंट है उनको इससे नुकसान ना हो। अब हम पानी को कैसे सेव कर सकते हैं पीने के लिए, क्योंकि इस तरीके का पॉल्यूशन, जो वाटर पॉल्यूशन है, उसको हम पीने के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्लोरीनेशन एक कॉमन मेथड है, जो लोग यूज नॉर्मली जहाँ पास से पानी सप्लाई होता है वहाँ पास ये लोग डालते हैं, क्लोरीन डाल देते हैं, और उससे पानी क्या होता है, प्योरीफाई होता है। लेकिन ज़्यादा क्लोरीन डालना भी हार्मफुल होता है, बहुत नुकसान होता है इससे, इसीलिए हमें लिमिटेड ही डालना चाहिए, जिससे बस पानी हमारा साफ हो जाए। बहुत सारे घरों में हमने देखा है बॉइलिंग मेथड यूज़ होता है। बॉयल करने से क्या होता है, पानी के अंदर जो भी जर्म्स बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो सारे मर जाते हैं, जिससे ये फिर हम वो पानी को पी सकते हैं, और वो हमारे लिए अच्छा भी होगा, उसमें कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा। हमने ज़्यादातर घरों में, आप लोगों को भी देखने को मिलेगा ये, कि लोगों के घरों में फिल्टर लगे होते हैं, कैंडल टाइप वाले फिल्टर लगे होते हैं, इससे भी पानी क्या होता है, प्योर हो जाता है, साफ हो जाता है। अब हम क्या कर सकते हैं वाटर को पॉल्यूट होने से बचाने से, वाटर पॉल्यूशन रोक कैसे सकते हैं, हम क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। लॉज वगैरह बहुत सारे आने चाहिए, जो इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए है, जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह, उन सब के लिए, और वो स्ट्रिक्टली लगने भी चाहिए। लॉज तो अभी भी लगे आ चुके हैं, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जो उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो ये सारे जो लॉज है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करवाने चाहिए। वाटर ट्रीटमेंट जो भी होना चाहिए पानी सप्लाई से पहले, या जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है, वाटर ट्रीटमेंट अच्छे से होना चाहिए पानी को फेंकने से पहले।
हमारे पास एक ही मंत्र है इसका, रिड्यूस रीयूज और रिसाइकल। पानी को रिड्यूस करो, कम से कम यूज़ करो, और जो पानी जैसे हम यूज़ कर रहे हैं उसको फिर से वापस से यूज़ करें और उसको रिसाइकल करें। रिसाइकल हम कैसे कर सकते हैं या रीयूज कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हमने बर्तन धुल लिए अब, या फिर सब्जी धुल ली, सब्जी धुलने के बाद जो पानी बचता है उसको हम कहाँ अपने गार्डन में फेंक सकते हैं, गार्डन में पेड़ पौधे जो लगे हो तो उनमें डाल सकते हैं। इससे पानी क्या होगा, वेस्ट नहीं होगा और पॉल्यूट भी नहीं होगा। अब इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया गंगा एक्शन प्लान के बारे में, 1985 में इसको लॉन्च किया गया। ये एक ऐसा प्लान था जिसमें इसका मोटिव था कि गंगा का जो पानी है उसको बचाना है, उसको पॉल्यूट होने से रोकना है, उसका पॉल्यूशन लेवल कम करना है। अब जो टैप होता है, हर एक सेकंड में हमने देखा होगा कई नॉर्मली घरों में लीकेज ज़्यादा होती है या फिर टैप से पानी एक एक बूंद गिरता रहता है, तो ये एक एक बूंद जो हर सेकंड में पानी गिर रहा है वो भी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पीने का पानी हमारे पास सिर्फ 0.3% ही बचा है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी पानी तो मतलब उसको बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट देना पड़ेगा तब जाके हम उसे कहीं यूज़ कर सकते हैं, और कुछ तो हमारे यूज़ के लिए भी नहीं है। तो हमें जो पानी यूज़ करना है बहुत देख सोच समझ के यूज़ करना है। कभी भी हमें टैप को खुला नहीं छोड़ना है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि ब्रश करते टाइम पे टैप ओपन रहता है या नहा रहे होते हैं पानी गिर रहा होता है बकेट से, तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है। हमें पानी बचाना है, एक बूंद भी पानी हमें नहीं गिरने देना है। तो इसके बारे में हम सबको सोचने की ज़रूरत है कि हमें एयर पॉल्यूशन रोकना है, वाटर पॉल्यूशन रोकना है। इस चैप्टर में बस इतना ही था जिसमें हमने जान लिया एयर पॉल्यूशन के बारे में, वाटर पॉल्यूशन के बारे में। तो इसको आप कैसे बचा सकते हैं, हर एक इंसान का इंडिविजुअल स्टेप होना चाहिए कि आप कैसे वाटर सेव करें, एयर पॉल्यूशन को कैसे रोक रहे हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।